हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेज। मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में मैं जैकबोर्ड क्लास 11 टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए जो मॉडल सेट जारी किया गया है उसमें मैथमेटिक्स के मॉडल सेट 2 का सेक्शन सी का सॉल्यूशन बताऊंगा। इसके पहले मैं मॉडल सेट 1 का और मॉडल सेट 2 का सेक्शन ए और बी का सॉल्यूशन वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। साथ में इस वीडियो का या पहले वाले वीडियो का पीडीएफ जो है, मॉडल सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन मैथमेटिक्स का, अगर आपको चाहिए तो मेरा चैनल है एमए क्लासेस के नाम से, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डाउनलोड कर लें और वहाँ से आप पीडीएफ देख सकते हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ पीडीएफ कैसे है। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ पर स्टोर मिलेगा, स्टोर पर क्लिक करेंगे तो स्टोर पर क्लिक करने के बाद आपको एक कोर्स मिल जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ मॉडल सेट क्लास 11 जैकबोर्ड मैथमेटिक्स का। ये 20 रुपीज़ का है। 20 रुपीज़ ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, किसी तरीके से वहाँ एप्लीकेशन में पेमेंट करेंगे तो उसके बाद ये कोर्स आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर ये जो कोर्स खोलेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको कंटेंट में ये पीडीएफ है, मॉडल सेट 1 का, मॉडल सेट 2 का, मॉडल सेट 3 का। मान लीजिए मॉडल सेट 1 की बात करें तो मॉडल सेट 1 का ये आपको कंप्लीट जो है वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा वहाँ से। और मैं यहाँ पर तो बता ही रहा हूँ, सॉल्यूशन समझा ही रहा हूँ, और पीडीएफ जो है वो आप मेरे एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं। और चलिए अब हम लोग इस सेक्शन सी का सॉल्यूशन देखते हैं। सेक्शन सी का सबसे पहला क्वेश्चन है 15 नंबर। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन बताने के पहले, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो जो भी मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी। देयर आर 3 स्टूडेंट्स who decide that either all of them will join or none of them will join. In how many ways can the excursion party be chosen? Question में है कि एक class है जिसमें से 25 student है। मान लीजिए ये एक class के 25 student है और इस 25 student में से 10 student को choose करना है, एक excursion party के लिए एक team बनानी है 10 student को select करके और उसको भ्रमण के लिए ले जाना है। तो कितने तरीके से बना सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ कंडीशन लगा हुआ है। अगर कंडीशन नहीं लगा हुआ होता तो ये 25 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट को हम लोग इतने तरीके से सिलेक्ट कर सकते थे, 25C10, क्योंकि सिलेक्शन करना है तो कम्बिनेशन लग जाएगा यहाँ पर। तो अगर कोई कंडीशन नहीं रहता तो इतने तरीके से हम लोग 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर कंडीशन लगा हुआ है। कंडीशन क्या लगा हुआ है कि देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइड दैट आदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। अब इस 25 स्टूडेंट में से 3 स्टूडेंट ऐसा है जो कहता है कि अगर हम लोग जाएंगे तो सब साथ में जाएंगे अन्यथा नहीं जाएंगे। तो वो मान लीजिए ये 3 स्टूडेंट है, ये तीनों स्टूडेंट काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, ये जाना चाहता है तो एक ही साथ जाना चाहता है, अन्यथा कहता है कि हम लोग नहीं जाएंगे। अगर इस कंडीशन को लगा दिया जाए तो 10 स्टूडेंट का जो एक्सकर्शन पार्टी बनाना है, जो टीम बनानी है, कितने तरीके से बनाया जा सकता है, यही क्वेश्चन है। तो अब जरा समझिए, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकता है 10 स्टूडेंट को जो सिलेक्ट करना है। एक काम कर सकते हैं, ये तीनों स्टूडेंट को हम लोग रख लें, या फिर दूसरा काम ये हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये तीनों स्टूडेंट को हम लोग छोड़ दें, बाकी जो स्टूडेंट है उसी से 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लें। तो ये दो पॉसिबिलिटी को लेकर के सवाल को बनाना है। तो पहली पॉसिबिलिटी देखिए, पहली पॉसिबिलिटी मान लीजिए ये तीनों को हम लोग सेलेक्ट कर लें, सपोज कर लीजिए ये तीनों स्टूडेंट को हम लोग ले जाना चाहते हैं एक्सकर्शन पार्टी में, इसको इंक्लूड करना चाहते हैं। तो 3 तो सेलेक्ट हो गया, अब 10 टोटल था तो 10 में से कितना सेलेक्ट करना है, 10 में से तो अब 3 ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है तो अब 7 स्टूडेंट को ही सेलेक्ट करना है। और कितने में से, ये जो बचे हुए हैं टोटल 22 स्टूडेंट्स, उसी में से 7 स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर 22 में से 7 को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, मान लीजिए ये 7 सेलेक्ट कर लिए, लेकिन ये काम कितने तरीके से कर सकते हैं, ये 22 में से कोई भी 7 को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये काम हम लोग कर सकते हैं 22C7 तरीके से। इसको तो रखना ही है, इसको तो एक ही तरीके से करना था क्योंकि ये 3 में से तीनों को रखना था, और बाकी जो 22 है उसमें से 7 को सेलेक्ट किए हम लोग 22C7 तरीके से। अगर ये तीनों को इंक्लूड किया जाए तो एक्सकर्शन पार्टी बनाने का तरीका होगा, ये तीनों का सेलेक्ट करने का तरीका एक हो गया, 3 में से तीनों को सेलेक्ट करना है,
और बाकी जो 22 है उस 22 में से 7 को सेलेक्ट करना है। तो इतने तरीके से ये काम कर सकते हैं अगर ये तीनों को इंक्लूड करना हो तब। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये तीनों को हम लोग नहीं रखेंगे। अगर ये तीनों को नहीं रखना है तब कितने तरीके से हम लोग टीम बना सकते हैं, एक्सकर्शन पार्टी बना सकते हैं, ये देखिए। अब अगर ये तीनों को नहीं रखना है, इस तीनों को छोड़ देना है, मान लीजिए ये तीनों को हम लोग किनारे कर देते हैं, इसको अब हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, तो बाकी जो 22 जो बचा हुआ है इसी में से 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। तो इसमें से कोई भी 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, मान लीजिए ये 10 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिए। लेकिन ये तरीका कितना होगा, 22 में से 10 को सिलेक्ट करने का कितना तरीका होगा, ये इतने तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये तीनों को नहीं रखना है टीम में तो एक्सकर्शन पार्टी बनाने का तरीका जो होगा वो 22C10 होगा, क्योंकि ये तीनों को हटा देना है, बाकी जो 22 बचा है उसी में से 10 को सेलेक्ट करना है। तो अब टोटल तरीका क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो था और सेकेंड पॉसिबिलिटी था, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो अब समझिए कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, क्वेश्चन समझ लीजिए, अभी ये सॉल्यूशन समझ लीजिए। सॉल्यूशन में करना क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 25 क्लास में। अब उसमें से देयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट टू गो फॉर एक्सकर्शन, एक्सकर्शन के लिए जो जाएगा उसके लिए उसमें 10 स्टूडेंट होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्या हो सकता है। पहला पॉसिबिलिटी हो सकता है द पर्टिकुलर 3 स्टूडेंट ज्वाइन, वो जो पर्टिकुलर 3 स्टूडेंट था वो ज्वाइन कर सकता है एक्सकर्शन पार्टी को, या फिर द पर्टिकुलर 3 स्टूडेंट्स डू नॉट ज्वाइन, या तो नहीं ज्वाइन करेगा, 10 में से ये 3 रहेगा इंक्लूड, या तो फिर 10 में से 3 यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। तब फिर अगर फर्स्ट पॉसिबिलिटी को लिया जाए तो इन द फर्स्ट पॉसिबिलिटीज वी हैव टू चूज 7 मोर स्टूडेंट आउट ऑफ द रिमेनिंग 22 स्टूडेंट, क्योंकि 3 इंक्लूड है इसमें। फर्स्ट पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, 3 स्टूडेंट ये तो रहेगा ही, ज्वाइन करेगा उस एक्सकर्शन पार्टी को, तो बाकी 7 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है। कितने में सेलेक्ट करना है, जो रिमेनिंग 22 स्टूडेंट बचा। और ये काम कितने तरीके से कर सकते हैं, दिस कैन बी डन इन 22C7 वेज। अब दूसरी पॉसिबिलिटी हम लोग देखते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी में क्या होगा, इन द सेकेंड पॉसिबिलिटी अगर ये 3 स्टूडेंट को नहीं ले जाए, 3 स्टूडेंट डू नॉट ज्वाइन, अगर वो टीम को ज्वाइन नहीं करता है, तो इन द सेकेंड पॉसिबिलिटी वी हैव टू चूज ऑल 10 स्टूडेंट आउट ऑफ द रिमेनिंग 22 स्टूडेंट। अब 10 स्टूडेंट को जो सेलेक्ट करना है, रिमेनिंग 22 स्टूडेंट बचा है, ये 3 तो जाएगा नहीं, तो बाकी जो 22 स्टूडेंट बचा है उसी में से 10 को सेलेक्ट करना पड़ेगा। एंड दिस कैन बी डन इन 22C10 वे, जो मैं फिगर में बता रहा था, समझा रहा था। तो अब ये काम हम लोग इतने तरीके से कर सकते हैं। तो टोटल तरीका क्या हो जाएगा, टोटल तरीका हो जाएगा, फर्स्ट पॉसिबिलिटी भी हो सकता है, सेकेंड पॉसिबिलिटी भी हो सकता है। जो टीम बनानी है उसमें से 3 स्टूडेंट, जो पर्टिकुलर 3 स्टूडेंट है उसको रख करके भी टीम बना सकते हैं, या तो फिर नहीं रख करके भी टीम बना सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक काम करने से ये टीम बन जाएगी, तो इसीलिए यहाँ एडिशन थ्योरम लगेगा। तो एडिशन थ्योरम से द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इक्वल टू 22C7 फर्स्ट पॉसिबिलिटी में, और सेकेंड पॉसिबिलिटी का जो था 22C10, ये दोनों को ऐड कर देंगे। अब इसका आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, NCR का फॉर्मूला होता है। NCR का क्या फॉर्मूला है, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो इस फॉर्मूला से पहले ऊपर 22 का फैक्टोरियल, फिर 7 का फैक्टोरियल, फिर 22 माइनस 7 इसका फैक्टोरियल, यहाँ पर इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो इसको निकालने का फैक्टोरियल 22 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 22 माइनस 10। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आप जानते हैं कि फैक्टोरियल n को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, n उससे छोटा n माइनस 1, उससे छोटा n माइनस 2, जहां पर छोड़ना है लास्ट में वहीं पर उसका फैक्टोरियल लगा दीजिए। तो ये फैक्टोरियल 22 को कैसे लिखते हैं, 22 लिखते हैं, उससे छोटा 21, उससे छोटा 20, उससे छोटा 19, उससे छोटा 18, उससे छोटा 17, उससे छोटा 16, उससे छोटा 15, यहीं पर फैक्टोरियल लगा देते हैं। क्यों लगाएं, यहां पर मैं बता रहा हूं, ये फैक्टोरियल 7 तो रहने दीजिए, या फैक्टोरियल 7 को लिख सकते हैं 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 का प्रोडक्ट, और ये 22 में 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे फैक्टोरियल 15, ये इसलिए छोड़ें, देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप कैलकुलेशन कीजिएगा, 22 को इसी तरीके से लिखेंगे, फैक्टोरियल 12 यहाँ पर लिख देंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन तो आसानी से कर सकते हैं, ये तो
सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये आएगा आपका फर्स्ट का ये आएगा, और सेकेंड का प्रोडक्ट करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। तो टोटल इतना तरीका हो जाएगा, काफ़ी तरीका आप देखिएगा। तो यहाँ पर ये 817,190 इतने तरीके से हम लोग एक्सकर्सन पार्टी बना सकते हैं, यानी 25 में से 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन लगा हुआ है कि तीन पार्टिकुलर स्टूडेंट या तो ज्वाइन करेगा या तो फिर नहीं ज्वाइन करेगा, मतलब तीन अगर जाएगा तो तीनों साथ में जाएगा, अन्यथा फिर नहीं जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा, इस तरीके से इस सवाल को हम लोग बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 888, 888, 8888। ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है, इस सीक्वेंस का सम निकालना है। कितने टर्म्स का सम निकालना है, एन टर्म्स का सम निकालना है इस सीक्वेंस का। तो कैसे बनाएंगे जरा देखिए। सबसे पहले हम लोग ये जो सीक्वेंस का सम आएगा एन टर्म्स का, उसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा, तो उस वैल्यू को हम लोग एस मान लेते हैं। एस इक्वल टू सीक्वेंस में क्या था, पहले 8 था, फिर 888 था, फिर 888 था, फिर 8888 था, और ये कितने टर्म्स तक सम करना है, एन टर्म्स तक। तो जब इसको एन टर्म्स तक जोड़ेंगे तो कोई ना कोई तो नंबर आएगा, उस नंबर को हम लोग मान लेते हैं एस। अब देखिए, इस तरीके का सवाल बनाने का एक मेथड होता है। क्या होता है, अगर इस तरीके का सवाल बनाना हो तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 8888 है, तो 8 को कॉमन ले लीजिए, जो 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 भी नंबर है, मान लीजिए 7 रहता, 777, 777, तो 7 को कॉमन ले लेते हैं। तो जो भी नंबर है उसको कॉमन ले लीजिए आप पहले। तो सबसे पहले हम लोग 8 को कॉमन ले लेते हैं, 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1, 8 कॉमन लेंगे तो 11 आएगा, 8 कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो 111 आएगा, यहाँ से 8 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1111 आएगा, और डॉट डॉट ये कितने टर्म्स तक है, एन टर्म्स तक। अब इसके बाद दूसरा काम क्या करते हैं, 9 से डिवाइड करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है, यही काम करना है, 9 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 9 से डिवाइड कर रहे हैं और 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर 999 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 999, और यहाँ पर हो जाएगा 9999, और ये कितने टर्म्स तक, एन टर्म्स तक। अब ये 9 और 99 वगैरह जब ले आएंगे तो उसके बाद का काम क्या होगा, सभी सवाल इस तरीके का, जो भी सवाल होगा सभी को इसी मेथड से बनाना है। इस 9 को हम लोग 10-1 कर देंगे, 10-1, इस 99 को 10²-1, देखिए 10 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 ही आएगा ना, और ये 10² मतलब 100 हो गया, और 100 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 99, तो 99 को हम लोग ऐसे लिख दिए। अब अगर देखें 999 को, तो इसको लिखते हैं 10³-1, 10³ मतलब 1000, 1000 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 999 आ गया। ये 9999 है, इसको लिख रहे हैं 10⁴-1, 10000 आ जाएगा, 10000 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9999 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम लोग अरेंज करेंगे। अब ये क्यों किए, इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे फ़ायदा हुआ कि एक जीपी में सीरीज बन गया। कैसे, देखिए 10 स्क्वायर और 10³, ये आपका जो है वो जीपी में आ जाएगा। तो ये सभी को एक साथ कर दीजिए, एक ग्रुप बना दीजिए, 8x9 तो रहने दीजिए, और ये जितना भी 10 वाला था, 10 का पावर वाला, डिफरेंट डिफरेंट पावर वाला, सभी को हम लोग एक ब्रैकेट में डाल दिए। 10, 10² 10³, 10⁴, कितने बार होगा, ये एन टर्म्स तक होगा, इस तरीके से सीरीज में एन टर्म्स था तो एन टर्म्स तक होगा। अब रही बात ये माइनस वन के बारे में, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक माइनस वन यहाँ पर है, एक माइनस वन यहाँ पर है, मान लीजिए 2 बार रहता तो माइनस वन और माइनस वन माइनस टू हो जाता, 3 बार रहता तो माइनस थ्री हो जाता, लेकिन है कितना बार, एन बार है, टोटल कितने टर्म्स है, एन बार है। तो माइनस वन एन बार जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एन हो जाएगा, तो वही माइनस एन कर दिए यहाँ पर। तो यहाँ पर सभी टर्म को हम लोग क्या किए, 2 ग्रुप में बांट दिए, एक तो 10 वाला जितना भी टर्म था उसका एक ग्रुप बना दिया, और ये -1, -1, -1, -1 एन बार होगा तो उसको माइनस एन कर दिए। अब ये जीपी में आ गया जिसका सम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं जीपी में है, तो जीपी का सम का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, जीपी का सम का फॉर्मूला क्या है, अगर ये ए आर स्क्वायर डॉट डॉट ये एन टर्म्स तक रहे, एन टर्म्स तक का मैं बात कर रहा हूँ, एन टर्म्स तक रहे तो इसका सम का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, ये जीपी के सम का फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन रेशियो देखिए सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड कीजिए तो 10 ही आएगा, तो कॉमन रेशियो भी 10 आ गया। तो इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, ए का वैल्यू 10, आर का वैल्यू 10,
तो 8/9 तो रहने दीजिए, a के जगह हम लोग 10 पुट करते हैं, फिर r के जगह भी 10 पुट करते हैं, 10^(n-1) डिवाइडेड बाय r माइनस वन, आर की जगह 10, 10-1, और ये जो माइनस एन है वो यहाँ पर रहने दीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, बस यही आंसर हो जाएगा। कैसा सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 8/9 रहने देते हैं, न्यूमरेटर को ज्यों का त्यों रखे हैं और 10 में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं 9, और ये माइनस एन को ज्यों का त्यों। अब ये अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 हो गया, और 9 9 जा 81, और 10^(n-1), और यहाँ पर 8/9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n/9, यही आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर जो है वो यही आ जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को बना सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस वन एंड दिस वन दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। यहाँ दो लाइन दिया हुआ है, तो पहले ये दोनों लाइन का एक इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन लाइंस आर, एक है 4x + 7y - 3 = 0, इसको नंबर वन कर देते हैं। दूसरा लाइन का इक्वेशन है 2x - 3y + 1 = 0, इसको सेकेंड इक्वेशन कर देते हैं। अब जरा क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दो लाइन है, मान लेते हैं हम लोग ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, सपोज कर लेते हैं, और दो लाइन को यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं पहले। ये जो दोनों लाइन है, तो मान लेते हैं कि एक लाइन ऐसा है और एक लाइन ऐसा है, ये दो लाइन है। अब दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन निकालना है। क्वेश्चन वही कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस वन एंड दिस वन, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाला लाइन। तो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट है कहाँ पर, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर है। अब इस पॉइंट से कितने लाइन पास कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं। देखिए ये भी लाइन पास कर रहा है, ये भी लाइन पास कर रहा है, ये भी लाइन पास कर रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट से तो बहुत सारा लाइन पास करेगा, इनफाइनाइट लाइन पास करेगा। लेकिन किसका इक्वेशन निकालना है, वैसे लाइन का इक्वेशन निकालना है दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। ऐसा लाइन निकालना है जो इक्वल इंटरसेप्ट काटता है एक्स एक्सिस के साथ। मतलब अगर ये एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पर बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस को, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया और ये वाई इंटरसेप्ट हो गया, ये दोनों इक्वल होगा। अब कैसे बनाएंगे, मान लीजिए दोनों इक्वल है, तो सपोज कर लीजिए एक ए है और एक बी है, तो अगर इंटरसेप्ट ए और बी रहता है तो यहाँ पर दोनों इक्वल कर रहा है, ए इक्वल टू बी। अगर ए और बी इंटरसेप्ट होता है तो इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ये जो लाइन है यहाँ पर ब्लू कलर का, उस लाइन का इक्वेशन निकालने का ये फॉर्मूला होता है x/a + y/b = 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब क्वेश्चन में जो कहता है कि ये दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है, तो ऐसा करते हैं हम लोग ए और बी नहीं मानते हैं बल्कि यहाँ पर भी दूसरा इंटरसेप्ट भी ए ही मान लेते हैं। देखिए पहला एक्स इंटरसेप्ट ए है तो वाई इंटरसेप्ट भी ए कर देते हैं। अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा x/a + y/a = 1। इसी से हम लोग ये इसी का इक्वेशन निकालना है, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाला एक ऐसा लाइन जो इक्वल इंटरसेप्ट काटता है, तो इसी लाइन का इक्वेशन निकालना है, जो ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है उसी का इक्वेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर दो मेथड से सवाल को बना सकते हैं। एक मेथड पहले मैं बता रहा हूँ, पहले इसको समझिए फिर मैं दूसरा मेथड बताऊँगा। एक तो हम लोग काम कर सकते हैं कि ये दोनों को सॉल्व करके सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका यही होता है कि दोनों को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो दोनों को सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन है ये, आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 को तो ज्यों का त्यों रखिए, 1 जो है वो ज्यों का त्यों रखते हैं, कितना है 4x + 7y - 3 = 0, और यहाँ पर कोएफिशिएंट को इक्वेट करने के लिए, दोनों का कोएफिशिएंट सेम लाने के लिए इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकेंड इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x - 6y + 2 = 0। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 4x कैंसिल हो जाएगा, 7y - 6y यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 13y हो जाएगा, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं y का वैल्यू आ गया 5/13, ये 5 उधर ले जाइए, 13 डिवाइड कर दीजिए, y का वैल्यू निकल गया। अब जब y निकल गया तो x निकाल लीजिए, सेकेंड इक्वेशन से x निकाल लीजिए, सेकेंड इक्वेशन से x कैसे निकालेंगे,
टू एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका थ्री वाई माइनस वन, थ्री वाई उधर, वन को भी उधर, y का वैल्यू पुट कीजिए, y का वैल्यू 5 बाई थर्टीन है, तो 5 थ्री जा 15 बाई थर्टीन माइनस वन हो जाएगा। अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे एलसीएम लेकर के, 13 एलसीएम ले लीजिए तो 15 माइनस 13 यानी कि 2 बाई थर्टीन हो गया, 2 बाई थर्टीन। और ये 2x का वैल्यू निकला है, 2 उधर डिवाइड कर देंगे तो x का वैल्यू निकल गया 1 बाई थर्टीन। तो ये P का कोऑर्डिनेट निकल गया, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट हम लोग को पता चल गया। x कोऑर्डिनेट निकला है ये 1 बाई थर्टीन निकला है यहाँ पर, और y कोऑर्डिनेट निकला है 5 बाई थर्टीन। तो इस तरीके से P का कोऑर्डिनेट हम लोग को पता चल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट पता चल गया। अब करना क्या है, इसी का इक्वेशन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि इंटरसेप्ट जो है वो ए है, x इंटरसेप्ट भी ए है और y इंटरसेप्ट भी ए है, ये मान लेंगे और उसके बाद हम लोग इसका इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट x इंटरसेप्ट इक्वल टू x इंटरसेप्ट इक्वल टू ए इक्वल टू y इंटरसेप्ट, दोनों इंटरसेप्ट सेम है तो उसका दोनों का वैल्यू हम लोग यहाँ पर इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों का वैल्यू a मान लिए। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x बाई ए प्लस वाई बाई ए इक्वल टू वन। अब क्या करेंगे, a से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू ए। अब ये पास कहाँ से करेगा, इसको नंबर थ्री कर देते हैं, तो थ्री जो है वो इस पॉइंट से पास करेगा। ये कौन सा लाइन का इक्वेशन है, यही वाला लाइन का इक्वेशन है जिसका इंटरसेप्ट सेम है, और ये पास कहाँ से कर रहा है, पी पॉइंट से पास कर रहा है। तो पी से पास करेगा तो पी का कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेगा, पी का कोऑर्डिनेट ये है, तो पी का कोऑर्डिनेट यहाँ पर आप सेटिस्फाई करवा दीजिए, एक्स के जगह वन बाई थर्टीन प्लस वाई के जगह फाइव बाई थर्टीन, ये इक्वल टू ए हो जाएगा। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ गया, 6 बाई थर्टीन आ जाएगा, ये 6 बाई थर्टीन हो गया। अब जब 6 बाई थर्टीन निकल गया ए का वैल्यू, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए इक्वेशन थ्री में। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जा समझिएगा, इक्वेशन थ्री यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इक्वेशन थ्री इम्प्लाइज क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू ए, ए के जगह है 6 बाई थर्टीन, थर्टीन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13x प्लस 13y इक्वल टू हो जाएगा 6, यही इसका आंसर हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन का यही आंसर हो जाएगा, मतलब लाइन का इक्वेशन यही हो जाएगा, जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका आंसर यही, उसका इक्वेशन यही हो जाएगा। एक तो ये मेथड हुआ, इस मेथड में हम लोग क्या किए, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिए, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लिए। अब फिर इसका इक्वेशन निकालना है जो इक्वल इंटरसेप्ट काटता है, तो इसका इक्वेशन हम लोग मान लिए कि x इंटरसेप्ट भी a है, y इंटरसेप्ट भी a है, तो इक्वेशन यहाँ से हम लोग लिख लिए। अब ये पास कर रहा है चूंकि इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेगा, वहाँ से a का वैल्यू निकाल करके फिर इसमें पुट कर दिए तो रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल गया। तो एक तो मेथड ये हुआ, चलिए अब सेकेंड मेथड देखते हैं, सेकेंड मेथड से कैसे बनाते हैं इसको। सेकेंड मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस 1 एंड 2, ये दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो पास करने वाला लाइन है, बहुत सारा लाइन हो सकता है, ये भी लाइन पास कर सकता है, जस्ट वन मिनट, यहाँ पर दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से काफ़ी लाइन पास कर सकता है, इनफाइनाइट लाइन पास कर सकता है। तो उसका इक्वेशन लिखने का तरीका होता है, कैसे लिखते हैं, उसी का इक्वेशन लिख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस 1 एंड 2, दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं, देखिए लिखने का तरीका होता है, एक बार ये इक्वेशन लिख लेंगे और इसमें लेमडा से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको 4x प्लस 7y माइनस 3 लिख देंगे और इसमें लेमडा से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाला में ऐड कर देंगे और इक्वल टू जीरो। अब लेमडा का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू अगर पुट करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट लाइन का इक्वेशन बताएगा, लेकिन वो लाइन जरूर पास करेगा इस पी पॉइंट से, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है वहीं से पास करेगा, बहुत सारा लाइन हो सकता है तो वो पास करेगा यहीं से, लिमडा का अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो। तो अब देखिए अब आगे क्या करते हैं, सबसे पहले तो दोनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन लिखने का तरीका ये होता है। अब यहाँ पर हम लोग x देख रहे हैं, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, दोनों से x कॉमन ले लीजिए। x अगर कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, देखिए x यहाँ से कॉमन ले लिया तो 4 बच गया, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो 2 लिमडा बच गया, फिर यहाँ से आप देखिए y है और यहाँ पर भी y है, y कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर हो गया 7 और यहाँ पर y कॉमन ले लिया तो -3 लेमडा, फिर यहाँ पर देखिए ये -3 है और यहाँ पर
प्लस लेमडा होगा, लेमडा से मल्टीप्लाई करने पर। ये इसको हम लोग यहाँ पर लिख दिए, इसको नंबर 3 डाल दिए, इसको 4 डाल दिया। हालांकि दोनों इक्वेशन सेम है, अलग अलग इक्वेशन नहीं है, इसी को हम लोग थोड़ा रीअरेंज कर दिए हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिख दिए हैं। तो ये दोनों सेम इक्वेशन है, एक को 3 कर दिए, एक को 4 कर दिए। अब क्या करते हैं कि इस फॉर्म में अगर कोई भी लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जनरल फॉर्म, जनरल इक्वेशन अगर किसी भी लाइन का है, तो उसका एक्स इंटरसेप्ट निकालने का तरीका होता है। देखिए ये कौन सा लाइन बता रहा है, यही लाइन बता रहा है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाला लाइन बता रहा है। हालांकि ये लाइन के जगह कोई दूसरा लाइन भी हो सकता है, क्योंकि लेमडा का अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो अलग अलग लाइन हो जाएगा। हम लोग को इसी का इक्वेशन निकालना है, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट पता करना का पड़ेगा, वाई इंटरसेप्ट पता करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो एक्स इंटरसेप्ट अगर इस फॉर्म में कोई भी लाइन है, तो उसका एक्स इंटरसेप्ट निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये होता है फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं। देखिए एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन 4, इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, यहाँ देख रहे हैं यही कॉन्स्टेंट टर्म है, माइनस 3 प्लस लेमडा। और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ये 4 प्लस 2 लेमडा, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म माइनस 3 प्लस लेमडा और एक्स का कोएफिशिएंट है 4 प्लस 2 लेमडा। ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस लेमडा इक्वल टू 4 प्लस 2 लेमडा। तो ये एक्स इंटरसेप्ट निकल गया लाइन 4 का। इसी तरीके से वाई इंटरसेप्ट भी निकाल लेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। क्यों दोनों को इक्वल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों सेम है। तो एक्स इंटरसेप्ट निकालें, कितना निकला है, 3 माइनस लेमडा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 लेमडा, ये x इंटरसेप्ट निकला हुआ है। और y इंटरसेप्ट भी निकालते हैं, तो y इंटरसेप्ट निकालने का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, मैं आगे बता रहा हूँ। y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन 4, यही लाइन था जो मैं पहले यहाँ पर दिखाया हूँ। देखिए ये जो लाइन 4 था, यही इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं, सेम इक्वेशन को। तो y इंटरसेप्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, एक मिनट जस्ट मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लेता हूँ। y इंटरसेप्ट निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, ये होता है। वहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x था, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ y है। तो कॉन्स्टेंट टर्म है क्या, माइनस 3 प्लस लेमडा, तो माइनस रहने दीजिए, माइनस 3 प्लस लेमडा। और कोएफिशिएंट ऑफ y जो है वो 7 माइनस 3 लेमडा है, ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 माइनस लेमडा डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 लेमडा हो गया। अब देखिए ये दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है, ये वाई इंटरसेप्ट है और एक्स इंटरसेप्ट पहले निकाले हुए, ये है, ये दोनों इक्वल है, क्वेश्चन यही कहता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स इंटरसेप्ट जो निकला हुआ था 3 माइनस लेमडा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 लेमडा, और वाई इंटरसेप्ट जो निकला है 3 माइनस लेमडा डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 लेमडा, दोनों इक्वल है। अब इसको सिंप्लीफाई करके लेमडा का वैल्यू सॉल्व करेंगे, लेमडा का वैल्यू निकाल लेंगे। ये देखिए 3 माइनस लेमडा से 3 माइनस लेमडा कैंसिल हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं 7 माइनस 3 लेमडा, और ये इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 प्लस 2 लेमडा। अब यहाँ से लेमडा का वैल्यू निकालते हैं, तो 2 लेमडा उधर ले जाएंगे, माइनस 3 लेमडा और 2 लेमडा उधर जाएगा, तो माइनस 5 लेमडा। 7 को इधर ले आएंगे, 4 माइनस 7 माइनस 3, 5 इधर डिवाइड कर देंगे, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, और 5 डिवाइड कर देंगे तो लेमडा का वैल्यू निकल गया 3/5। अब ये जो लेमडा का वैल्यू निकला है वो इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 3 कौन सा इक्वेशन था, मैं एक बार दिखा देता हूँ इक्वेशन 3 क्या था, उसके बाद मैं आगे बताऊँगा। देखिए इक्वेशन 3 ये था, हाँ इक्वेशन 3 ये था। यहाँ पर यही इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, लेमडा का वैल्यू पुट कर देंगे। लेमडा का वैल्यू निकला हुआ है, यहाँ पर पुट कर देंगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल जाएगा। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट हम लोग दोनों को इक्वल कर चुके हैं। तो अब देखिए आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, लेमडा का जो वैल्यू निकला हुआ है, लेमडा का वैल्यू कितना निकला हुआ था, अभी हम लोग जस्ट निकाले हैं, लेमडा का वैल्यू 3/5 निकला हुआ है, तो यही पुट करेंगे। देखिए पुटिंग दिस वैल्यू इन 3 वी गेट, 3 कौन सा इक्वेशन था, देखिए 3 इक्वेशन यही था, मैं भी बता रहा था कि यही इक्वेशन 3 था, इसमें पुट कर दीजिए। तो 4x प्लस 7y माइनस 3 प्लस लेमडा का वैल्यू 3/5 और 2x माइनस 3y प्लस 1, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्रत्येक में, 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू 4x प्लस 7y माइनस 3, और यहाँ पर जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 3 बचा, 3 इंटू 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसी को बस सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 4 20 हो जाएगा और 5 7 35y प्लस माइनस हो जाएगा 15, और 3 2 जा 6, ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 9y, ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3x, 20x प्लस 6x 26x, 35y माइनस 9y 26y, और माइनस 15 प्लस 3 माइनस 12,
यहाँ अब 2 से डिवाइड कर देते हैं, 13x प्लस 13y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो ये आंसर हो जाएगा। तो एक मेथड ये हुआ, इस सवाल को मैं दो मेथड से बताया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट मेथड ज़्यादा आपको आसान लग रहा होगा, सेकेंड मेथड भी आप समझिए, क्योंकि इस मेथड का भी यूज करके बनाइएगा, तो ताकि दूसरा सवाल को इस मेथड से बड़ा आसानी से बना सकते हैं। कुछ सवाल ऐसा होता है जो इसी मेथड से बनाना आसान होता है, तो इसीलिए इस मेथड को भी समझिए जरूर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 41 एंड 65 एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। क्या कहता है क्वेश्चन समझिए। यहाँ पर एक सर्कल का इक्वेशन पता करना है, एक हम लोग को सर्कल का इक्वेशन पता करना है जो दो पॉइंट से पास कर रहा है। दो पॉइंट कौन कौन सा, एक तो 41 से पास कर रहा है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर 41 है, यहाँ से पास कर रहा है। एक दूसरा मान लीजिए 65 है, यहाँ से पास कर रहा है। और इसका जो सेंटर है वो सेंटर इस लाइन पर है, एक लाइन है उसी पर सेंटर है, सेंटर इस लाइन पर है। और इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 4x, इस लाइन का इक्वेशन है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4x प्लस वाई इक्वल टू 16, इस लाइन का इक्वेशन ये दिया हुआ है। क्वेश्चन यही कहता है, क्वेश्चन में यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 41 से पास कर रहा है एंड 6.5 से पास कर रहा है एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। अब कैसे बनाते हैं इस सवाल को समझिए। देखिए वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा व्यूज़ मिलेगा तो मुझे भी थोड़ी एनर्जी मिलती है, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन। लेट द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल, सर्कल का इक्वेशन निकालने का एक जनरल फॉर्म है, जनरल इक्वेशन होता है सर्कल का। हम लोग यहाँ पर एक जनरल इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं, कोई भी सर्कल है उस सर्कल का इक्वेशन ये लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसको इक्वेशन वन कर दिए, जहाँ जी एफ सी कॉन्स्टेंट होता है। अगर ये जी एफ सी निकाल लिए और जी एफ सी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो सर्कल का इक्वेशन निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे जी एफ और सी का वैल्यू, ये जो कंडीशन दिया हुआ है कि यहाँ से पास कर रहा है, यहाँ से पास कर रहा है, सेंटर यहाँ पर है, तो उसी से हम लोग यहाँ पर जी एफ सी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहला, द सर्कल वन पासेज थ्रू द पॉइंट 4.1, देयरफोर इस पॉइंट से पास कर रहा है तो 4.1 इसको सेटिस्फाई करेगा। 4.1 जो पॉइंट है वो इसी सर्कल पर है तो सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स के जगह पुट कीजिए 4 और वाई के जगह 1, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो 2g × 4, यहाँ पर 1 पुट करेंगे 2f × 1 प्लस सी इक्वल टू 0। ये पहले लिख जाते हैं, 4 × 2 = 8g आएगा, यहाँ पर 8g और ये 2f आ रहा है और यहाँ पर c। अब 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 1 का होल स्क्वायर 17, सॉरी 1 का होल स्क्वायर 1 और 16 17 आ जाएगा, 17 को इधर ले आएंगे तो माइनस 17। एक इक्वेशन बना लिया, जी एफ और सी का एक इक्वेशन बन गया। अब फिर ये जो सर्कल है दूसरे पॉइंट से भी पास कर रहा है, 6.5 से भी पास कर रहा है। अगेन द सर्कल वन पासेज थ्रू द पॉइंट 6.5, देयरफोर 6.5 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। पुट कर दीजिए x के जगह 6 और y के जगह 5, यहाँ पर भी x के जगह 6 पुट किए हैं और y के जगह क्या पुट किए हैं 5। अब इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 × 2 = 12g, सबसे पहले ये लिखते हैं 12g प्लस 5 × 10f प्लस c, और देखिए ये 36 + 25 = 61, ये इधर जाएगा तो -61। एक दूसरा इक्वेशन निकल गया, इस इक्वेशन को 2 कर दिए, इस इक्वेशन को 3 कर दिए, और एक इक्वेशन निकालेंगे, इसका जो सेंटर होता है सेंटर का फॉर्मूला होता है -g − f, तो -g − f यही सेंटर हो जाएगा, -g − f। तो ये कहाँ पर है, इस लाइन पर है, इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए मैं आगे बता रहा हूँ, द सेंटर -g − f ऑफ द सर्कल वन लाइज ऑन द लाइन 4x प्लस वाई इक्वल टू 16, यही 4x प्लस वाई इक्वल टू 16 है, यहाँ पर इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पुट कर दीजिए, सेंटर का कोऑर्डिनेट ये होता है 4 − g प्लस वाई के जगह -f इक्वल टू 16, यहाँ से -4g − f इक्वल टू 16, यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4g + f इक्वल टू -16 हो गया। इसको इक्वेशन हम लोग 4 कर दिए, और दो इक्वेशन पहले से निकला था। अब यही तीनों इक्वेशन, दो पहले निकला हुआ था और एक इक्वेशन ये है, ये तीनों को सॉल्व करके g का वैल्यू, f का वैल्यू, c का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, देखिए 2 - 3, एक्चुअली 2 और 3 क्या था, देखिए यही था 2 और 3,
तो इसी से हम लोग निकालते हैं जी एफ का वैल्यू। टू में थ्री को सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखिए सी और सी कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा इसमें से, इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं पूरा लिख दिया हूँ 8g प्लस 2f प्लस c, और उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करें 12g प्लस 10f प्लस c, ये माइनस कर दिए और इधर हो जाएगा माइनस 17 में माइनस 61 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 17 और माइनस 61 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए ये c से माइनस c कैंसिल हो जाएगा, 8g माइनस 12g माइनस 4g, 2f माइनस 10f माइनस 8f, और ये माइनस 17 माइनस माइनस प्लस 61 ये हो जाएगा 44। 4 से डिवाइड कर दीजिए, माइनस 4 से डिवाइड कर दीजिए, माइनस 4 से डिवाइड करेंगे जी, माइनस 4 से डिवाइड करेंगे 2f, माइनस 4 से डिवाइड करेंगे माइनस 11। तो जी और f के बीच एक रिलेशन निकल गया, और जी एफ के बीच एक रिलेशन यहाँ पर है, इसको हम लोग नंबर किए हैं 4, यहाँ पर नंबर किए हैं 5। अब ये दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से सॉल्व कैसे करेंगे, कोएफिशिएंट को इक्वेट कीजिए, कैसे देखिए 2 × 4 हम लोग 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर 2f आ जाएगा और यहाँ पर भी 2f है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8g प्लस 2f इक्वल टू यहाँ पर माइनस 32। इसमें हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 5 जो है उसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर जी प्लस 2f इक्वल टू माइनस 11। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 8g में जी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा 7g, और ये तो कैंसिल हो गया, माइनस 32 में माइनस 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 21, 7 इधर डिवाइड कर देंगे तो जी का वैल्यू माइनस 3। ये तो सिंपल है, आप लीनियर इक्वेशन है ये वाला और ये वाला लीनियर इक्वेशन है, इस दोनों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो ये तो 10th क्लास में भी किए हैं, कोएफिशिएंट को इक्वेट करके हम लोग सॉल्व कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं, जी का तो वैल्यू निकल गया, एफ का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इसी दोनों में से किसी में भी पुट करके एफ का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जी प्लस 2f इक्वल टू माइनस 11 फाइव नंबर था, तो इसी में पुट करते हैं, फ्रॉम 5 2f इक्वल टू कितना हो जाएगा 2f इक्वल टू माइनस 11 और जी इधर ले आएंगे माइनस जी, जी का वैल्यू निकला हुआ है, जी का वैल्यू माइनस 3 निकला हुआ था, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके माइनस 8 आया 2f का वैल्यू, एफ का वैल्यू 2 डिवाइड कर दीजिएगा तो माइनस 4 निकल गया। अब ये एफ और जी निकल चुका है, 3, 4 जो इक्वेशन था उसमें से किसी से निकाल लेते हैं सी का वैल्यू, 2 था 2 और 3, अगेन फ्रॉम 2, क्या था 2 आप देखेंगे तो ये 2 था, 8g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू माइनस 17 यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, c का वैल्यू कितना होगा, ये दोनों उधर ले जाएंगे तो माइनस 17 माइनस 8g माइनस 2f, जी का वैल्यू हम लोग को पता है, जी का वैल्यू माइनस 3 है, एफ का वैल्यू निकाले हुए देख रहे हैं माइनस 4 है, यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं तो पुट कर रहे हैं तो ये माइनस माइनस प्लस 24 और ये भी प्लस 8 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 15 तीनों निकल गया, जी एफ सी तीनों निकल गया। अब सर्कल के इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो क्या था सर्कल का इक्वेशन, पुटिंग वैल्यू ऑफ एफ जी एंड सी इन इक्वेशन 1 वी गेट 1 में क्या था, यही था सर्कल का इक्वेशन, हम लोग इसी को माने थे, देखिए यहाँ पर सर्कल का इक्वेशन यही ना माने थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0, वैल्यू पुट कर दीजिए सभी का, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2G का वैल्यू माइनस 3 निकला है, एक्स प्लस 2F एफ का वैल्यू माइनस 4 निकला है, देख रहे हैं एफ का वैल्यू माइनस 4 इंटू वाई और सी का वैल्यू निकला हुआ है 15। बस इसी को सिर्फ थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6X माइनस 8Y आ जाएगा प्लस 15 इक्वल टू 0, यही रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा, सर्कल का इक्वेशन जो निकालना था यही इक्वेशन हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, यही लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का, कि इफ ए एंड बी आर इवेंट सच दैट ए का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ 0.42, बी का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ 0.48 और पी ए एंड बी दिया हुआ 0.16, तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, ये 5 चीज निकालना है हम लोग को, ए और बी दो इवेंट है तो ए का प्रोबेबिलिटी, बी का प्रोबेबिलिटी और ए एंड बी का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन हो जाता है, ए और बी के इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, तो देखिए कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो जो दिया हुआ है वो लिख जाते हैं, ए का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, बी का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है यहाँ पर, और फिर पी ए एंड बी, पी ए एंड बी मतलब हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी, और ये कितना है 0.16 है। अब जरा आगे देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है पी नॉट ए, नॉट ए मतलब हो जाता है ए डैस, पी नॉट ए मतलब हो गया पी ए डैस कंप्लीमेंट, और कंप्लीमेंट का होता है फॉर्मूला 1 PA, तो पी नॉट ए मतलब 1 PA, पी नॉट ए का मतलब हो जाता है 1 PA, पी ए का वैल्यू पता है, पी ए का वैल्यू पुट कर दीजिए तो 1 − 0.42 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0.58, यही एक आंसर हो गया। दूसरा पी नॉट भी निकालना है, बिल्कुल ऐसे ही निकाल लेंगे, पी नॉट बी का मतलब 1 − PB और 1 − PB मतलब PB का वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 − PB का वैल्यू देख रहे हैं 0.48 है, पुट कर दिए तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके 0.52 आ रहा है।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है पी ए और बी। ए और बी का मतलब होता है पी ए यूनियन बी, एंड अगर रहे तो इंटरसेक्शन और रहे तो यूनियन, तो ए यूनियन बी निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए पता है 0.42, पी ऑफ बी पता है 0.48 और पी ए इंटरसेक्शन बी भी पता है, यहाँ पर दिया हुआ है 0.16, इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए 0.74 आ जाएगा, ये तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर निकालना है पी ए यूनियन बी डैश, तो एक फार्मूला होता है, जैसे ये फॉर्मूला है ना पी ए डैश इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस पी ए, तो यहाँ पर हो जाएगा पी ए यूनियन बी पूरे का डैश लगा हुआ है, तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी, और पी ए यूनियन बी तो हम लोग निकाल के रखे हुए, देखिए पी ए यूनियन बी का वैल्यू निकला हुआ है, कितना निकला हुआ है 0.74 निकला हुआ है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 1 माइनस 0.74, तो इसका कैलकुलेशन करके ये आ जाएगा। एक लास्ट है पी ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालना, ये भी वैसे ही बन जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दिया हुआ है, देख रहे हैं पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0.16 है, तो 0.16 1 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आपका 0.84 हो गया, तो यही इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। PDF चाहिए तो मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, बस 20 रुपीज़ पे करना पड़ेगा कम से कम, इतना तो गुरु दक्षिणा दे ही सकते हैं जब आपको मॉडल सेट मैं दे रहा हूँ और भी बाकी सब जो चीज़ है, क्योंकि इसमें टाइप करना पड़ता है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो थोड़ा वर्क टाइम तो लगता है, समय देना पड़ता है, तो इसीलिए 20 रुपीज़ मात्र है उसका, आप PDF वहाँ से ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन ले करके उसका, और मैं ये वीडियो जो है वो वहाँ पर डाल दूँगा, वहाँ से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में, मॉडल सेट 3 का सेक्शन ए और बी को लेकर के मैं आऊँगा, फिर सेक्शन सी का अलग वीडियो अपलोड करूँगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।